आप लोग देख सकते हैं यह जल मीनार डॉन बॉस्को गुमला किले हमारे माननीय विधायक श्री भूषण तिर्की द्वारा दिया गया है। और इस जल मीनार को बनाने के लिए बहुत सारी प्रक्रिया है। आप लोग देख सकते हैं पीछे बोरवेल है और बोरवेल खोदने के लिए बहुत सारे प्रक्रिया होते हैं, जैसे कि स्थान को डिवाइन किया जाता है, उसके बाद बोरवेल खोदने वाला मशीन आता है। और जब इस बोरवेल को खोदा जा रहा था उस दिन हम लोग सबको यहाँ पे मौजूद थे और करीबन 60 फीट के बाद हम लोग को चट्टान मिलना शुरू हो गया था और तकरीबन 700 फीट चट्टान को पार करके ही पानी मिला है। तो करीबन 800 फीट पहुँचने के बाद हमें शुद्ध पानी मिला और हमें खुशी है यह जल मीनार हमारे बच्चों के लिए हमारे श्री माननीय विधायक भूषण तिर्की द्वारा दिया गया है और इसका लाभ यहाँ जितने भी लोग आते हैं बच्चे उनके लिए लाभदायक होगा, क्योंकि जल ही जीवन है, जल बहुत ही कीमती है। इसलिए हमें जल की रक्षा करना है, इसके बचाव करना है और जरूरत अनुसार उसका इस्तेमाल करना है। थैंक यू। मैं दिलीप खलखो डॉन बॉस्को स्कूल गुमला में मैं पानी का स्पोर्ट बताने के लिए आया हूँ और इस पानी का स्पोर्ट को मैं हवा के जरिए जानता हूँ कि किस तरह किधर से स्रोत आती है। उस स्रोत के आधार पर उसमें एक जगह उसको केंद्रित किया जाता है और उस केंद्रित करने के लिए मैं ये बांस का प्रयोग करता हूँ और उसी के जरिए ही वहाँ पर एक चिन्ह लगाया जाता है और उसी में बोरिंग की जाती है। अभी बांस को स्प्लिट किया जा रहा है और इसी की सहायता से पानी का स्रोत ढूंढा जाएगा। पानी स्रोत मिल गया है, वहीं पर बोरिंग किया जाएगा। पानी स्रोत कंफर्म करने के लिए नारियल का भी व्यवहार किया जाता है। अगर ये नारियल खड़ा हो करके उलट जाता है यानी वहाँ पर पानी है। यहाँ देख सकते हैं अभी ये जो नारियल उलट जाएगा। ये डॉन बॉस्को स्कूल गुमला का गार्डन है, अच्छा लोन बनाया गया है, बहुत सारा फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ और एक स्पॉट कंफर्म किया जा रहा है। कैंपस में 3 जगह पानी स्पॉट मिला और उसी खुशी में नारियल तोड़ा जा रहा है। उम्मीद है बोरिंग करने पर भरपूर मात्रा में पानी मिले ताकि यहाँ पानी का समस्या ना हो। बोरिंग करना शुरू कर दिए हैं। यहाँ आप Thank you.
जाएगा। पानी दलदल मिट्टी से निकल रहा है। दलदल मिट्टी के बाद चट्टान मिला और उस चट्टान को तोड़ने के लिए अलग औजार डाला जाएगा जो पत्थर को तोड़ता है। केसिंग डाला जा रहा है, 60 फीट तक केसिंग डाला जाएगा ताकि दलदल मिट्टी ना धंसे। इसे वेल्डिंग किया जाएगा ताकि गंदा पानी ना गिरे। और ये चट्टान 800 फीट तक घूमते रहा। ये जो धुआं जैसा दिखाई दे रहा है ये धुआं नहीं है, ये चट्टान का डस्ट है।
से पानी इस बोरवेल की खुदाई सुबह करीबन 7 बजे शुरू किए थे और शाम 6:30 बजे तक लोगों ने कंप्लीट किया। एक महीना बाद पानी टंकी का प्लेटफॉर्म बनाया गया। फिर 2 सप्ताह के बाद लोगों ने आकर मोटर फिट किया। ये सोलर पंप है, 130 फीट डाला गया। पानी क्या मस्त है, चट्टान का शुद्ध पानी, मस्त ठंडा। चट्टान का पानी सच में मीठा होता है, मैंने ऐसा पानी कभी नहीं पाया था। पानी मैंने कभी नहीं पिया था, बहुत मीठा, एक घूंट में प्यास बुझ गया। I tasted this water, it's sweet, very fantastic.